दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 मिशन में हमारी सफलता के लिए खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजारों साइंटिस्ट ने दिन रात एक करके चांद पर लहराया तिरंगा, तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद क्रिकेट जगत में भी जश्न का माहौल है, जहां सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली तक कई बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने न केवल हमारे उन साइंटिस्टों को झुककर सलाम किया, बल्कि इसरो को अब करोड़ों रुपए की दान की बात करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनकी बातें सुनकर आपके दिल में भी हमारे क्रिकेटर्स के लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्या कुछ कहा है इन सभी ने, उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, नासा और इसरो में कौन सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 23 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। 6 बजे के कुछ ही मिनट बाद इंडिया ने चांद पर कदम रखा। आखिरकार कड़ी मेहनत और लंबे इंतजार के बाद चंद्रयान 3 मिशन कामयाब रहा, जहां भारत के विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके हिंदुस्तान का सिर ऊंचा कर दिया। इस क्षण का इंतजार 140 करोड़ भारतीय सांसें थाम कर कर रहे थे। टीवी चैनलों पर सबकी आंखें जमी हुई थी। ये इतना खास इसलिए भी है क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है, जहां तक पहुंचने में आज तक दुनिया का कोई भी देश कामयाब नहीं हो पाया है। जी हाँ, भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। भले ही साल 2019 में भारत अपने चंद्र मिशन 2 में फेल हो गया था, इसके बाद भी असफलता से सीखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया। कोरोना काल में जब विश्व और देश कोरोना से जूझ रहा था, तब भी इसरो अपने तीसरे चंद्र मिशन पर काम कर रहा था। भारत की सफलता में इसरो और उसके वैज्ञानिकों के साथ ही इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का अहम योगदान है। उनके इस योगदान की पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से फोन करके सराहना की, तो वहीं पूरी दुनिया हमारे साइंटिस्टों का लोहा मान चुकी है और उनकी मेहनत के सामने पूरे विश्व तो क्या, चांद को भी अपने घुटने टेकने पड़ गए। जी हाँ, निश्चित तौर पर यह उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब चुका है। पूरी दुनिया भारत की गुणगान कर रही है और हर तरफ केवल तिरंगा ही लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब पूरे क्रिकेट जगत में जश्न का माहौल है, जहां कई बड़े बड़े सितारों ने अब हमारे साइंटिस्ट को बधाई देने के साथ उनको करोड़ों रुपए तक देने की बात कह डाली है। जी हाँ दोस्तों, जहां सबसे पहले कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, आज का दिन हमारे लिए सबसे अधिक गर्व का विषय है। इसरो ने वह कर दिखाया जो करने की हिम्मत दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी नहीं कर पाए। ये भारत की अद्भुत क्षमता और हमारी काबिलियत को दर्शाता है। मैं इस शुभ मौके पर करोड़ों देशवासियों से लेकर इसरो और उनके हजारों साइंटिस्ट, उन्होंने मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी रातों को नींद हराम कर दिए, दिन रात एक कर दिए, बधाई देना चाहता हूं। तो इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सफलता की कोई भी कीमत लगा पाना नामुमकिन है, उन्होंने जो किया वह अनमोल है। तो वहीं किंग कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो और उन हजारों साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस मिशन के लिए न्योछावर कर दिया। आप लोगों ने पूरे देश का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है, आपको मेरा सलाम है, जय हिंद। तो केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने इसरो के उन सभी साइंटिस्ट को धन्यवाद देने के साथ साथ उन सभी लोगों के सम्मान में 5 करोड़ रुपए की राशि इसरो को देने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, टीम इंडिया के कप्तान रोहित का भी रिएक्शन में देखने को मिला है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया का पहला देश जो चांद के साउथ पोल पर पहुंच चुका है, इससे अधिक गर्व का विषय और क्या हो सकता है, यह हम सभी के लिए बहुत बड़े जश्न का विषय है। जी हाँ, मैं इसरो के साइंटिस्ट को इस सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही उनके इस सफलता के लिए मैं इसरो को 2 करोड़ रुपए भी भविष्य में ऐसी ऐसी नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ केवल खुशियां हैं, पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। तो वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी कहां पीछे रहते, उन्होंने पहले तो ऐलान कर दिया कि इसरो के इस मिशन में शामिल सभी साइंटिस्ट को वे 10 करोड़ रुपए देने वाले हैं। जी हाँ, तो फिर उन्होंने सभी को बधाई देते हुए ये भी कहा कि मुझे अपनी स्पेस एजेंसी और उसमें काम करने वाले सभी साइंटिस्ट पर बहुत गर्व है, नाज है मुझे, धन्यवाद इसरो, आपकी बदौलत आज हम सम्मान से पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े हैं। मैं हर एक भारतीय को इस सुनहरे पल के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, अंत में हमें युवराज सिंह का रिएक्शन भी देखने को मिला है, जिन्होंने कहा है कि चांद पर कदम रखने वाला भारत पहला देश बना, हमने एक नया इतिहास लिखा है। इसरो के लिए इस मिशन में योगदान देने वाले सभी साइंटिस्टों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज इस असंभव को संभव कर दिखाया है। हमारे देश के सम्मान को कई गुना बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी को आप पर गर्व है। तो दोस्तों, सच में आज तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, इसरो की तरह क्या टीम इंडिया भी विश्व कप में जीत हासिल करके शान से हमारा तिरंगा लहरा पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।